दोस्तों माना जाता है कि पक्षियों को देखकर हवाई जहाज को बनाया गया था और मछलियों को देखकर पानी का जहाज बनाया गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गाड़ी मोटर को किसको देखकर बनाया गया था? तो इसलिए आज मैं आपको एक ऐसे कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने दुनिया की सबसे पहली गाड़ी को बनाया था। मैं आपसे बात कर रहा हूँ वर्ल्ड फर्स्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर कंपनी मर्सिडीज के बारे में, जिसकी कार की तो बात ही अलग है और लोगों की कुछ ज्यादा ही बात अलग है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं जर्मन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर कंपनी मर्सिडीज के बारे में। दोस्तों कहानी शुरू होती है जब 25 नवंबर 1844 को कार्ल बेंज का जन्म जर्मनी में हुआ था। कार्ल बेंज का पूरा नाम कार्ल फ्रेडरिच बेंज था, जिनके माँ का नाम जोसेफिन विलेन था और उनके पिता का नाम जोहान जियोर्ज बेंज था, जो कि उनके पिता ट्रेन चलाया करते थे। लेकिन बेंज के पैदा होने के 2 साल बाद ही उनके पिता की मौत हो गई और यहीं से बेंज और उनके माँ के जीवन में परेशानियां आनी शुरू हो गई। लेकिन फिर भी कैसे ना कैसे करके बेंच की माँ बेंच को स्कूल भेजकर पढ़वाया करते थे, क्योंकि बेंच अपने घर के ही पास एक लोकल ग्रामर स्कूल में पढ़ने जाया करते थे। और जब वो करीबन 13-14 साल के हुए तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की पढ़ाई पर ध्यान देने लगे। लेकिन उन्होंने मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल को छोड़ के अपने पिता के पैशन को फॉलो करने लगे और लोकोमोटिव इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगे, जिसमें कि इंजन के बारे में स्टडी होती थी। और 19 साल के उम्र में उन्होंने अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया और ऐसे ही सब पढ़ाई को कंप्लीट करने के बाद बहुत सारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंपनी में काम करते थे और उन्होंने करीबन 7 सालों तक प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिली है। और इन्हीं सब के दौरान बेंज ने ये देखा कि एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए लोग ज्यादातर घोड़ों का इस्तेमाल किया करते थे और साथ ही साथ बाकी और जानवरों का इस्तेमाल तो किया ही करते थे, लेकिन घोड़ों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हुआ करते थे। और इन्हीं सभी वजह से बेंच को जानवरों के ऊपर बहुत दया आई और इसीलिए उनका एक ये सपना था कि वो हॉर्सलेस व्हीकल को इन्वेंशन करेंगे ताकि घोड़ों का इस्तेमाल ना किया जाए। इस वजह से उन्होंने 1871 में अगस्त रिटर के साथ मिलकर एक वर्कशॉप को स्टैब्लिश किए जिसका नाम द फाउंड्री एंड मैकेनिकल रखा। लेकिन उनकी वर्कशॉप पहले ही साल बहुत बुरी चली और अगले ही साल अगस्त रिटर ने बेंच को धोखा दे दिया, जिस वजह से उनकी वर्कशॉप बहुत पूरी तरह से बर्बाद हो गई और बेंच कुछ महीनों तक बहुत ज्यादा परेशान थे। और कुछ महीनों के बाद ही बेंच की शादी की बात चलने लगी, जिस वजह से 20 जुलाई 1872 को बेंच की शादी बर्था रिंगर से हो गई। और माना जाता है कि बेंच की वाइफ बर्था रिंगर काफी सपोर्टिव नेचर की थी, चीजों को समझा करती थी और काफी होशियारी के साथ डिसीजन भी लिया करती थी, जिस वजह से जब उनकी शादी हुई तो बेंच ने अपने दहेज के सारे पैसे अपने कंपनी में लगा दिए और उनकी वाइफ बेंच को इतना सपोर्ट किया करती थी कि वो लोग आपस में ही पार्टनरशिप कर लिए और कंपनी के ग्रोथ के लिए 1878 में एक पेटेंट पे काम करने लगे। और 31 दिसंबर 1878 को उन्होंने एक ट्रू स्ट्रोक वाले इंजन को बनाया और नए साल पे उनको उस ट्रू स्ट्रोक वाले इंजन को पेटेंट मिल गया। दोस्तों स्ट्रोक वो चीज होती है जो कि सबसे ज्यादा रोल प्ले करती है पेट्रोल की मदद से गाड़ी को चलाने में। और सब कुछ अच्छी चल रही थी, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट उनके कंपनी के प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा पैसा मांगा करती थी और 1882 में उनको अपने कंपनी को जबरदस्ती जॉन स्टॉक कंपनी में शामिल कर देना पड़ा। इस वजह से बेंस इस बात से बिल्कुल नाराज थे क्योंकि उनके कंपनी के करीबन 5% पैसे कैसे बाकी और कंपनी के लिए चल जाते थे और साथ ही साथ गवर्नमेंट भी उनके कंपनी से बहुत ज्यादा पैसा डिमांड किया करती थी, जिस वजह से बेंस की बिजनेस फिर से लॉस में जाती जा रही थी। और बेंस काफी परेशान होकर उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ छाड़ दिया और अब वो नॉर्मल सी लाइफ जिया करते थे। लेकिन अब घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना जरूरी था क्योंकि उनकी शादी भी हो गई थी और साथ ही साथ उनके अब तक के 4 बच्चे भी थे और अब वो अपने लाइफ से बिल्कुल हार मान गए थे। लेकिन थोड़े मोड़े पैसे कमाने के लिए एक साइकिल रिपेयर दुकान पे काम करने लगे, जो कि वो साइकिल रिपेयर की दुकान मैक्स रोस और विलहेल्म इब्लिंगर की थी। और बेंज तो आम नौकर की तरह काम किया करते थे, लेकिन बेंज तो ऑलरेडी सब खेल खेल चुके थे। और जब ये बात मैक्स रोस और विलहेल्म इब्लिंगर को पता चली कि बेंज काफी ज्यादा एक्सपर्ट हैं, तो उन तीनों ने मिलकर एक कंपनी को एस्टैब्लिश किया जिसका नाम बेंज कंपनी गैस मोटर इन फैब्रिक था। और इस बार उनकी कंपनी बहुत अच्छे तरीके से चलने लगी, क्योंकि कुछ दिनों बाद ही कंपनी में करीबन 20 से 25 लोग काम करने लगे। और बेंज को याद आया कि उनका एक सपना था कि वो एक हॉर्सलेस व्हीकल को बनाएंगे, जिस वजह से बेंज ने अपने आइडिया से 1885 में 3 पहिए वाली गाड़ी को बनाया, जो कि इंजन और रोलर चैन की मदद से अपने आप चला करती थी। और इस नए इन्वेंशन के कारण बेंच को जर्मन गवर्नमेंट ने उनके गाड़ी का पेटेंट दे दिया
और अब यहाँ से उनकी लाइफ और उनकी कंपनी बिल्कुल सेट चलने लगी। और आज बेंज की इसी कंपनी को मर्सिडीज बेंज के नाम से जानी जाती है। और आज उनके ब्रांड की ये वैल्यू है कि मर्सिडीज के लोगों को अगर बेकार से बेकार गाड़ी में भी लगा दिया जाए तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। और अब कंपनी की इससे ज्यादा और क्या तारीफ की जाए।